हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज का पूरा नाम है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज और वह एक जाने माने न्यूरोसर्जन है। जैसे कि मैंने आपको कहा, डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज प्रोफेशन से न्यूरोसर्जन है। वो अपने फील्ड में इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल डॉक्टरों में से थे। डॉक्टर स्ट्रेंज इंटेलिजेंट सक्सेसफुल के साथ एरोगेंट है, ऐसा इसलिए वो अपने फील्ड में टॉपर था। इसी बात के कारण उसका एरोगेंट बिहेवियर था। उसके पास हर वो चीज़ थी जो उसे चाहिए थी और वो अपने लाइफ में बहुत खुश था। एक टाइम ऐसा आता है डॉक्टर स्ट्रेंज का एक्सीडेंट हो जाता और उसके हाथ में सीवियर डैमेज हो जाते। सीवियर डैमेज होने के कारण वो सर्जरी नहीं कर पा रहा था। उसने अपने पूरे रिसोर्सेस वेल्थ हैंड क्योर करने में डाल दी। उसके हैंड क्योर नहीं हो पा रहे थे जिसके कारण वो अपसेट रहने लगा था। एक टाइम ऐसा आया उसे किसी ने सजेस्ट किया और वो जा पहुँचा हिमालय के पास और उसे एक कमल ताज के पास एंशियंट वन मिला। डॉक्टर स्ट्रेंज का एरोगेंट बिहेवियर होने के कारण एंशियंट वन ने उसे सिखाने से मना कर दिया, पर एंशियंट वन ने डॉक्टर स्ट्रेंज को कमल ताज के अंदर रहने की इजाज़त दे दी। डॉक्टर स्ट्रेंज का अंदर का पोटेंशियल देख के एंशियंट वन समझ चुका था अगला सॉर्सरर सुप्रीम डॉक्टर स्ट्रेंज बनेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज कड़ी मेहनत और हार्ड वर्क के बाद मैजिकल पावर सीख पाता है और ऐसे ही स्टीफन स्ट्रेंज बन जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज। और आपको एक बात बता दूँ, डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी पावर्स मैजिकल है और ये सारी पावर उसे मैजिकल बुक विशांति से मिलती है। विशांति एक मैजिकल बुक है। इस बुक के अंदर डिफरेंट टाइप्स के चैंट्स और मंत्र हैं और ऐसे ही स्टीफन स्ट्रेंज बन जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज ने बहुत सारे ग्रुप के साथ टीम अप किया, बाद में एवेंजर के साथ शामिल हो गया। इस वीडियो के अंदर इतना ही। हम आपको अगले वीडियो के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बाय।